कमल बाबू के साथ। यही एक सड़ी सी जगह है काशीपुर। नमस्कार। नमस्ते। शेखर को तो जानती है? हाँ, इनको तो यहीं पे मिली थी। कब आएगी? तो आज ही। इस बार सब टीचर्स बहुत देर से आ रहे हैं ना? नहीं तो, सबको तो आ गए, सिर्फ मैं ही देर से आई हूँ। कमल बाबू तो नहीं आए? कमल बाबू और हम इकट्ठे ही गए थे काशीपुर, फिर वहाँ से अपने घर चले गए माधोपुर। आप जानते हैं उन्हें? लो, वो और हम साथ ही पढ़े हैं बचपन से इसी शहर में। अच्छा, मैं और शेखर शादी कर रहे हैं इसी महीने। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना मेरे कमरे में। जी नहीं, मुझे कुछ काम था गीता से, मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अच्छा, गीता तुम बाद में आओ। आऊंगी। काफी बदल सी गई हिरनी, पहले तुम उससे बात भी नहीं करती थी। आओ गीता, मैंने सोचा तुम नहीं आओगी। शायद नहीं आती, लेकिन तुमने पहली दफा बुलाया इसलिए आ गई। आओ बैठो, चाय पियोगी? लो, फॉर्मेलिटी पर उतर आओ। मुझे माफ करना गीता। अरे क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मैंने तुम्हें शुरू से गलत समझा था। तुम और कमल बाबू दोनों लगते थे हमारे कॉलेज के लिए अपशकुन हो। चलो अच्छा हुआ, अब तो नहीं समझती ऐसा? नहीं, कल मैं शेखर से यही कह रही थी, रेनू कितनी बदल गई। कल अचानक एक और बात दिमाग में आई, आज तुमसे कह डालने में मुझे कोई झिझक नहीं है। तुम भी नहीं आई, कमल बाबू भी नहीं आए। पता नहीं मुझे क्यों लगा तुम दोनों नहीं आओगे, शायद उस दिन के दुष्यंत शकुंतला ड्रामे की वजह से ही। मुझे लगा तुम और कमल बाबू दोनों प्यार करने लगे। और मुझे क्या लगा मालूम? क्या? बता दूं? बताओ ना। नहीं बाबा, जाने दो, थोड़ी सी बदली हो फिर से रिलैप्स ना हो जाए। मैं तो जैसे थे वैसे ही हूँ, फिर भी बताओ ना क्या बात है। मुझे लग रहा है तुम कमल बाबू से प्यार करने लगे हो। पता नहीं, कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। और अब? गीता, तुम रोज शाम को आ जाया करो ना, आज तुम्हारे साथ बातें करके मन कितना हल्का लग रहा है। रोज तो नहीं आ सकूंगी, लेकिन आ जाऊंगी कभी कभी। अब मैं चलूं?